झाड़ीदार पेड़ कितना बड़ा होता है, और जो बात करें इनकी फली की, जो बीज होता है इनका, ये भी आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। जो आदमी इनका चूर्ण बना के जो तो मंजन की जगह इस्तेमाल करेगा तो मुंह के सारे ही रोग मिटा दे। ये देख सकते हो फली भी इनकी, जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हो फली लग रही है, इनको कूट के चूर्ण बनाना है, मंजन की जगह इस्तेमाल करना है इनको। और जो इसके जो आप ये देख सकते हो झाड़ीदार पौधा कितना ऊंचा होता है, कीकर का जो देसी कीकर है, इनको बबूल भी कहा जाता है। चलिए आगे दिखाते हैं। आपको फूल भी दिखाते हैं, फूल भी कैसा होता है, पीला फूल होता है, ये देख सकते हो आप, लंबा फूल है, पीला फूल होता है। और जो किसी की जाड़ चीस रही हो, कमर में दर्द हो, तो सभी रोगों में फायदेमंद है। ये देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ है, ज़्यादा ऊंचा पेड़ तो नहीं है, फिर भी फूल बतेरा आ रहा है इस पर। फली भी देख सकते हो कैसी फली है इसकी, ये देख सकते हो फली भी बिल्कुल ऐसी है, बढ़िया एकदम। शरीर का जो आते रोग तो यही खत्म कर देगा। बात करें इसकी छाल की, तो किसी की जाड़ चीस रही हो तो इसके जो छाल है पका कर कुल्ला कर सकते हैं आप, जाड़ चीस नहीं बंद हो जाएगी। ये देख सकते हो आप, फूल दिखा देता हूँ धोरे से, जूम करता हूँ। ये देख सकते हो ये फूल लग रहा है, हवा चल रही है तो इसके जो टहनियां हिल रही है, ये देख सकते हो आप, फूल है और ये फली है। इधर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।